हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक प्रॉब्लम की जो शायद आप लोगों ने भी फेस की होगी अपने स्मार्ट वॉच में, अगर आप ये वाले स्मार्ट वॉचेस यूज़ करते हो जैसे कि HW, K16, HT सीरीज और T500, T100, T55, जितने भी ये मॉडल्स हैं, अगर आपने ये यूज़ किया है तो इसके अंदर आपने ज़रूर फेस किया होगा ये इशू कि जब भी आप अपने मोबाइल में कोई भी मीडिया यू नो चलाते हो, जैसे कि वीडियो चलाते हो, तो अगर आपका स्मार्ट वॉच आपके मोबाइल से कनेक्ट है तो जो उसकी आवाज़ होती है ना वो स्मार्ट वॉच में आती है, मोबाइल में नहीं आती। तो ये दिक्कत आपने फेस की होगी, चाहे आप कुछ भी करो, गाने सुनो, यू नो फेसबुक पे अगर आप कोई वीडियो चला रहे हो या कहीं पे भी इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो चला रहे हो, कोई भी वीडियो चला रहा हो, तो उसकी आवाज़ स्मार्ट वॉच में आती है। तो ये प्रॉब्लम मैं भी फेस कर चुका हूँ और आप लोगों ने शायद फेस किया होगा, तो इसका मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ कि क्या है वो प्रॉब्लम। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना यूट्यूब खोलता हूँ और मेरे को कोई वीडियो प्ले करनी, जैसे कि मेरी वीडियो मैं उसी को प्ले करता हूँ, तो इसकी आवाज़ उसकी आवाज़ स्मार्ट वॉच में आ रही है। अब मैं अगर कोई गाने भी प्ले करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं गाने में आता हूँ, देखो गाना भी स्मार्ट वॉच में प्ले हो रहा है। तो ये जो दिक्कत है ये आप लोगों ने भी शायद फेस की होगी। तो इसका सलूशन क्या है, बहुत ही आसान है। आपको बस क्या करना है, अपने मोबाइल के ब्लूटूथ सेटिंग में जाना है, ये ब्लूटूथ सेटिंग में जाना है, और जो भी स्मार्ट वॉच आप, ये सिर्फ इस स्मार्ट वॉच के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, जितने भी स्मार्ट वॉच है ना जो ऐसी नॉन ब्रांडेड सीरीज होते हैं, HW, HT, T500, T55, W26 सीरीज, जो भी मॉडल्स है, आप सबके लिए ये सेटिंग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल मेरा जो कनेक्टेड डिवाइस है वॉच कॉल, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जो ये ऑप्शन होता है ना, ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ये सेटिंग्स दिख जाएंगे, अनपेयर, रीनेम, फोन ऑडियो, मीडिया ऑडियो, कॉन्टेक्ट सेटिंग। तो यहाँ पे जो मीडिया ऑडियो है ना ये वाला, इसको आपको डिसेबल करना है, ये इनेबल हो रखा है, इसको डिसेबल करना है। ओके, तो अब आप कुछ भी प्ले करोगे तो इसमें इसकी आवाज़ नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, अब मैं इसकी ये वीडियो, अपनी वीडियो प्ले करूँ तो अब इसकी ये जो आवाज़ है अपने मोबाइल में आ रही, मेरे स्मार्ट वॉच में आवाज़ नहीं आ रही। तो ये था इसका इजी सोल्यूशन। आप भी अगर ये चीज़ फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप ये कीजिए, बहुत ही आसान है। और लेकिन हाँ, इससे ये प्रॉब्लम होगी कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप अपने स्मार्ट वॉच से अपने म्यूजिक प्लेयर को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा। तो उसके लिए आपको वापस से ये जो सेटिंग है, वापस से आपको ये मीडिया ऑडियो इनेबल करना पड़ेगा, तभी मीडिया की आवाज़ इसमें जाएगी। बाकी फ़ोन कॉल पे कोई इशू नहीं आएगा, फ़ोन ऑडियो ऑन कर रखा है हमने, तो जब भी आप फ़ोन इससे उठाओगे, इस स्मार्ट वॉच से फ़ोन पिकअप करोगे, आप इससे कॉल डायल करोगे, तो आप स्मार्ट वॉच से बात कर सकते हो, बस आपको मीडिया की आवाज़ नहीं आएगी। तो बहुत ही आसान सेटिंग था, आप भी कीजिए। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो आप भी ये सेटिंग कीजिए, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।